आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का जो सवाल है इसमें दिया हुआ है अक्रिया x2 प्लस 4y2 2xy4 के लिए डेल्टा एच का मान शून्य से कम है तो दी गई परिस्थितियों कौन सी स्थिति xy4 के निर्माण के लिए अनुकूल होगी। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि xy4 हमें ज्यादा बनाने का सोचना है। और देखो, सबसे पहली बात, अगर मान लो यह जो रिएक्शन दी हुई है हम इसको लिखते हैं x2 प्लस 4y2, यह उत्क्रमणीय रिएक्शन है 2xy4, ठीक है। यहाँ पर दिया है डेल्टा एच शून्य से कम है, इसका मतलब ऋणात्मक है। ऋणात्मक अगर किसी भी अभिक्रिया का डेल्टा एच होता है तो वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अब देखो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ताप का प्रभाव, पहले यहाँ पर हम देखते हैं ताप का प्रभाव, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर मान लो कोई ए प्लस बी से सी बन रहा है, ठीक है, और यह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, डेल्टा एच यानी इसका निगेटिव है, इसमें क्या होता है, अगर हम ताप बढ़ाएंगे मतलब ताप बढ़ाएंगे तो जो सी की बनने की दर है, सी के बनने की दर ये घटेगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा सी की बनने की दर, यहाँ पर हमें अनुकूल परिस्थिति देखना था तो यहाँ से हम साफ साफ बोल सकते हैं इसमें ताप बनाने से घट रहा है सी के बनने की दर, अतः यहाँ पर हमें ताप जो है ये निम्न लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो निम्न ताप की बात हमने कर ली। अगर इसी तरह हम बात करें दाब का प्रभाव, ठीक है, दाब का प्रभाव, ठीक है। तो अगर दाब के प्रभाव की बात करें तो देखो, दाब के प्रभाव में क्या होता है, अगर कोई अभिक्रिया ए प्लस बी से सी बन रही है, ठीक है, और ये अगर सभी गैस हैं, तो अगर हम यहां पर क्या करते हैं, यहां पर अगर हम दाब बढ़ाते हैं, ठीक है, इसका मतलब आयतन घटता है तो क्या होता है, जिधर मोलों की संख्या कम होगी उधर की ओर अभिक्रिया शिफ्ट कर जाएगी, ठीक है। तो अभिक्रिया देखो, तो यानी यहाँ पर मोलों की संख्या, अब देखो ये मोलों की संख्या पर निर्भर करेगा दाब, तो इस पे क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, इधर मोल कितना है, एक और चार पांच, गैस वाले मोलों की संख्या, यहाँ पर गैस है सभी, तो इधर पांच मोल है, इधर कितना है, दो मोल है। तो देखो यहाँ पर हमने दाब बढ़ाया है, ठीक है, दाब बढ़ाने से क्या होगा, जिधर मोलों की संख्या कम होगी उधर की ओर अभिक्रिया शिफ्ट करेगी, इसका मतलब जब हम दाब बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया इधर की ओर शिफ्ट होगी, यानी xy4 जो है, क्योंकि इधर मोल कम है इसलिए आगे की ओर बढ़ेगी अभिक्रिया, तो xy4 का बढ़ने की दर बढ़ जाएगी। इसका मतलब हमें इसके अनुकूल परिस्थिति क्या होगी, इसकी अनुकूल परिस्थिति हमारे लिए यहाँ से हम दाब के प्रभाव से हम साफ साफ बोल सकते हैं कि यहाँ से उच्च दाब हमें चाहिए होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से उच्च दाब और निम्न ताप हमारा आंसर होगा, अतः जो ऑप्शन नंबर 4 है ये हमारा सही होगा। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।